हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि फेसबुक पे डिसेबल आईडी कैसे ओपन करते हैं। और गाइज, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था 2 हफ्ते पहले, जो कि मैं वो आपको वीडियो दिखा देता हूँ, ठीक है। और इस वीडियो से बहुत लोगों की अकाउंट्स ओपन हुए हैं और मैंने खुद के भी बहुत अकाउंट्स ओपन किए, मेरे दोस्तों ने भी बहुत अकाउंट्स ओपन किए हैं। तो आज की इस वीडियो में बता रहा हूँ कि इस वीडियो के कमेंट्स में बहुत बंदे के कमेंट्स आए हुए थे, वीडियो के मतलब कि कमेंट बॉक्स में, कि भाई हम लोग जो करते हैं तो उसमें क्या होता है, डिसेबल आईडी नहीं होती है, उसको अनलॉक्ड वाला मैसेज नहीं होता। और इस वीडियो में जो मैंने बताया था वो अनलॉक्ड वाला मैसेज होना चाहिए आपके अकाउंट्स में। अगर आपका ओल्ड अकाउंट्स हो या न्यू अकाउंट्स हो तो उसमें फेसबुक अनलॉक्ड वाला मैसेज होना चाहिए, तो अपना प्रूफ सेंड कर देंगे, ठीक है। और गाइस, अगर आपके पास ये है तो आप ये वीडियो को देख लेंगे पूरा, ठीक है। इसको देखने के बाद बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनका हेल्प हुआ है, ये देखो, जैसे कि अभी मैं बता दूँ बहुत सारा ऐसा बंदा है। और ये देखो, कुछ बंदे का मेरे को मेल भी मिला है, मतलब कि कमेंट मिला है कि अगर मेल अनलॉक्ड वाला मेल ना आया हुआ तो आज की इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करने वाला हूँ कि आपके पास अगर कोई अनलॉक्ड वाला मैसेज नहीं है या कुछ नहीं है तो आप कैसे कर सकते हैं अपना अकाउंट ओपन, ठीक है, और कैसे कर सकते हैं आप अपना अपील सेंड। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, अगर हो सके तो लाइक कर दें एक वीडियो को, ठीक है। लाइक करने से आपका कुछ नहीं होता, बट हमें क्या होता है ना, बहुत सारा हमें हेल्प मिल जाता है, क्योंकि आपका ये लाइक्स देख करना हमें और भी मोटिवेशनल मिलता है कि चलो आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी ट्रिक्स दें। तो अगर आपने लाइक्स नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कर दो यहाँ से, ठीक है। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे क्लिक करके ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है गाइस। ये इधर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना और ये घंटी वाला जो बटन है इसको ऑल पे प्रेस कर देना, ये रहा, ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अभी मैं सबसे पहले जाता हूँ कि क्या करना है हम लोगों को और कैसे करना है। तो आपका जो भी मेल होगा, और गाइस मैंने इस वीडियो में ये भी बताया था कि अगर आपका कोई मेल अकाउंट्स होगा जैसे मेल वाली अकाउंट्स है तो वही ओपन होगी, अगर कोई नंबर वाली अकाउंट्स होगी तो वो ओपन नहीं होगी, क्योंकि फेसबुक का जो रिस्पॉन्स आता है वो मेल पे आता है ना कि नंबर पे आता है, ठीक है। अगर आपके पास कोई नंबर वाली अकाउंट्स है तो वो ओपन नहीं होगी, आपके पास मेल अगर है उसका तो ओपन होगी, चाहे आपके अकाउंट्स में अनलॉकड वाला मैसेज हो या ना हो, ठीक है गाइस। तो इस वीडियो को फॉलो कीजिए, अगर अनलॉकड वाला मैसेज है तो ये वीडियो आप फॉलो कीजिए, 100% आपकी अकाउंट्स ओपन होगी, ठीक है। और मेरे बहुत सारे दोस्त ने ओपन किया भी है। तो गाइस यहाँ पे मैं चलता हूँ अभी, और एक मेरे भाई का है ये अकाउंट्स जिसने मेरे को दिया था, और इनका फेसबुक के तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ठीक है। ये देखो 13 मार्च को भी इसने सबमिट किया था प्रूफ, 13 मार्च को भी सबमिट किया था, और यहाँ पर देखो 12 मार्च को भी सबमिट किया था इसने, बहुत बार ही सबमिट किया, ये देखो इसका कोई भी रिव्यू नहीं आ रहा है। 11 मार्च को सबमिट किया था, यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ फिर से, ये 7 मार्च को सबमिट किया था, देखो 7 मार्च को। तो इन्होंने बहुत बार ही सबमिट किया, अपना रियल प्रूफ भी सबमिट किया है और जो इनका है वो भी सबमिट किया है, ठीक है। आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको कैसे सबमिट करना है। देखो गाइस, आपको जो भी मेल हो, यानी कि इंडेक्स मेल हो या फिर स्पैम बॉक्स मेल हो या जीमेल हो, आपको इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद ये मेल वाला ऑप्शन आपको खुलना चाहिए, ठीक है। सॉरी, ये मेल वाला ऑप्शन खुलेगा। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले आपका वही मेल रहेगा जो आपका फॉर्म में रहेगा, यानी कि जो मेल आप ओपन कर रहे हो और जिससे मैसेज कर रहे हो। अगर दूसरा मेल है तो यहाँ पर आप वो दूसरा मेल टाइप कर देंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो वो दूसरा मेल आपको यहाँ पर डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं वही वाला मेल डाल देता हूँ जो मेरे भाई का था। और यहाँ पर यस 2 में क्या डालना है आपको, आपको वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि 2 में डालना है डिसेबल, ये डालना है, ये देख लो आप, डिसेबल @facebook.com, ये देख लो, disable@facebook.com ये डालना है आपको, ठीक है ये। और उसके बाद आपको सब्जेक्ट में लिखना है आई कांट साइन इन टू माई अकाउंट, इन टू माई अकाउंट, साइन इन माई अकाउंट, यार ये बार बार बोल रहा था। तो ये देखो, ये आपको लिख देना है, ठीक है, आपको जस्ट यही लिखना है और यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। अगर आप और भी कुछ लिखना चाहते हैं, अगर अपने हिसाब से, जैसे कि आपको क्या बोला, माई पर्सनल अकाउंट वॉज डिसेबल, अगर आपका माई पर्सनल अकाउंट डिसेबल है तो यहाँ पर आप वो लिख देंगे, या कन्फर्म योर आइडेंटिटी है तो यहाँ पर कन्फर्म योर आइडेंटिटी लिख देंगे, ठीक है। और अगर आई कांट साइन इन माई अकाउंट्स ये लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, तीनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे कंपोज मेल में क्या लिखना है, मैंने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बताया था और इसमें दिया भी था कंपोज मेल में, इसमें ये देखो, इसके टाइटल पे क्लिक करोगे ना, वीडियो के टाइटल पे, अभी जो आप वीडियो देख रहे हो उसके भी अगर आप यहाँ पे टाइटल पे क्लिक करोगे तो आपको नीचे इस टाइप से ये
डिस्क्रिप्शन खुल के मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो अपील टैक्स, ये देखो कंपोज मेल के लिए ये अपील टैक्स है, ये डालना है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या डालना है, यहाँ पे जो FB ID नेम है ना, यानी कि आपके प्रूफ का नेम, यानी कि फेसबुक का नेम और जो आपके प्रूफ पे नेम है वो सेम डालना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वही डालना है जो आपके प्रूफ पे हो और जो आपके फेसबुक आइडेंटिटी में हो, ठीक है, फेसबुक में और आपके प्रूफ में दोनों में सेम होना चाहिए, वो यहाँ पे डालना और अपने आईडी का नाम यहाँ पे डालना बस। और आप कहाँ से बिलोंग करते हो, जैसे कि मैं इंडिया से करता हूँ तो यहाँ पे इंडिया डालना, कोई पाकिस्तान से करता है तो पाकिस्तान, कोई बांग्लादेश से करता है तो बांग्लादेश डालेंगे, कोई जापान से करता है या कोई सऊदी अरबिया से करता है तो वो ये यहाँ पे वो डाल देना, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरबिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश। मैं आपको सारे चीज़ डेप्थ में बता रहा हूँ, नॉलेज दे रहा हूँ क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है गाइस। तो आपको इसको कॉपी कर लेना होगा, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कॉपी करके अपने नोट पैड में रख रखा है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो गाइस यहाँ पे मैंने रख रखा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये रख रखा है अपने नोट पैड में। तो यहाँ पे मैं उसका नाम लिख लेता हूँ अपने फेसबुक अकाउंट्स का, जो कि मेरे दोस्त का है। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने उनका यहाँ पे नाम लिख दिया है विक्की श्रीवास्तव, ठीक है, और उनका डेट ऑफ बर्थ भी लिख दिया है जो उनके कार्ड पे है, ठीक है गाइस यहाँ पे। और गाइस ये जो ब्रैकेट है ना इसको आपको रिमूव कर देना होगा, ठीक है, नाम के बाद जो ये ब्रैकेट है आपको इसको रिमूव कर देना होगा, डेट ऑफ बर्थ से भी और अपने नाम के बाद से भी, ठीक है। यहाँ पर इनको दोनों में से मैं रिमूव कर देता हूँ। और अब आपको ये कॉपी करना है, ठीक है, वो बंदा भी इंडिया से ही है तो हम इसको यहाँ पे इंडिया ही रहने देते हैं, ठीक है गाइस, कहाँ पे इंडिया बता देता हूँ, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे इंडिया ही रहने देते हैं क्योंकि वो बंदा भी इंडिया से ही है। अब हमने इसको कॉपी कर लिया है, अब हम जाते हैं मेल पे और जो ड्राफ्ट वाला मेल होगा, आई थिंक ये रहा ड्राफ्ट वाला मेल जो हमने आई कांट साइन इन किया था, तो इसमें हम फिर से लिखते हैं, तो यहाँ पे हमें वो डाल देना है, ठीक है गाइस, कंपोज मेल में लाके हमें ये पेस्ट कर देना है। अब गाइस हमें क्या करना है, यहाँ से उनका प्रूफ भी सिलेक्ट कर लेना होगा, आपके पास अगर एक प्रूफ है आधार कार्ड पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है तो एक एक प्रूफ आपको आपका नाम और फोटोज़ और डेट ऑफ बर्थ जिधर से हो उधर से आपको क्लिक करना है, ठीक है, नाम डेट ऑफ बर्थ और आपका फेस दिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अभी हम उनका प्रूफ सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है गाइस, मेरे पास है उनका प्रूफ तो मैं भी सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने उनका प्रूफ भी सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे देखो थोड़ा पीछे से नॉइज़ आएगा, बच्चे लोग खेल रहे हैं गली में तो उसको आप इग्नोर करना। तो यहाँ पे देखो मैंने उनका प्रूफ 3 सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, आधार कार्ड, वो है आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड। तो इस तरीके से आपको भी अपना प्रूफ सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है, 2-3 जो भी हो, और उसके बाद आपको गाइस यहाँ से सेंड कर देना होगा, ठीक है, यहाँ से ऊपर से सेंड कर देना होगा। जब आप ये सेंड कर देंगे तो फेसबुक टीम के पास ये पहुँच जाएगा, ठीक है, और आपको जब ये सेंड कर देंगे तो आपको 14 दिन लगभग 14 दिन के अंदर अंदर में आपको रिस्पांस मिलेगा फेसबुक टीम का। और कैसा मैसेज आएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ, दिखा देता हूँ मैसेज, ये देखो गाइस कुछ इस टाइप से आपको मैसेज आएगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हाय मोहम्मद, तो यहाँ पे आपको हाय श्रीवास्तव लिख जाएगा, विक्की श्रीवास्तव, ठीक है। और उसके बाद आपको ये मैसेज आएगा कि थैंक्स फॉर योर रिपोर्ट, वी विल रिव्यू द इंफॉर्मेशन यू आर प्रोवाइडेड एंड गेट बैक व्हेन वी हैव एन अपडेटेड योर रिपोर्ट, इन द मीन टाइम यू कैन रिव्यू आवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड, ठीक है, ऐसा करके एक मेल आएगा। उसके बाद आपकी अकाउंट्स क्या होगा, ओपन हो जाएगा। अगर आपका अकाउंट्स ओपन नहीं होगा तो आपको यहीं से एक यहाँ पे रिप्लाई का ऑप्शन मिलेगा मेल पे, आपको फिर से रिप्लाई पे जाकर आपको फिर से आपका प्रूफ और जो मैंने आपको टैक्स दिया अपील टैक्स, ये मैसेज आने के बाद आपको वही डाल देना है, ठीक है, रिप्लाई में जाके। और जो मैंने आपको इस वीडियो में आगे बताया पीछे मतलब कि, तो उसी को सेम फॉलो करके फिर से आपको अपडेट कर देना होगा, ठीक है, मतलब कि फिर से सेंड कर देना होगा अपना प्रूफ के साथ। उसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी अकाउंट्स ओपन हो जाएगा और जो आपके अकाउंट्स पे रिव्यू नहीं आता है वो रिव्यू आना चालू हो जाएगा और आपका अकाउंट्स भी ओपन हो जाए। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में मैंने आपको सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। आपको वीडियो जैसी भी लगी हो लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और हो सके तो अपने दोस्तों में भी ये वीडियो शेयर करना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को रेड बटन को प्रेस करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना एक भाई के चैनल के वीडियो को, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।